जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पूरा कंजंक्शन ले चुके हैं और मैं कहता हूँ वन शॉट रिवीजन कहिए इसको, आज पूरा कंजंक्शन ख़त्म कर देंगे। साथियों, जितना आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सारा रिवीजन हो जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जय हिंद लिख सकते हो। तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। हमने तीन सेशन आज लगाकर हो जाएगा कंजंक्शन का, तो बहुत अच्छा सेशन है। कंजंक्शन मैंने इसलिए लिया पहला टॉपिक क्योंकि कंजंक्शन में बहुत सारे पेयर होते हैं जो कि बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, इसीलिए लिया है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। साथियों, हार्डली आई शो हिम देन आई स्टॉप्ड माय कार। साथियों, आपको पता होगा, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें बता दूँ। तो आपको पता होगा मैंने कल कहा था कि मैं इन्वर्जन वाला कराऊँगा। साथियों, तो इन्वर्जन के कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी है। तो इन्वर्जन एग्ज़ाम में आपको नो सुनर का पूछता है, हार्डली, स्कार्सली, यहीं तीन चार का पूछता है। ठीक है, तो मैं आज करा दूंगा। ठीक है, तो इन्वर्जन में क्या होता है ना साथियों, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ही आपको करना रहता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हार्डली आई शो हिम देन आई स्टॉप्ड माई कार। तो इसका आंसर आपको अगर बनाना होगा तो इन्वर्जन ऐसे ही पता चल जाता है, आपको लिखना होगा हार्डली Hardly did I see, साथियों, did आ गया इसीलिए verb का बेस फॉर्म आ गया साथियों, और आगे आप लिख सकते हैं did I see him, then पूरा जो भी होता है सेंटेंस आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इन्वर्जन आपको मैंने बता दिया, इन्वर्जन मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी लिख सकते हैं आप, हैड भी आता है कभी कभी, डिड भी आएगा, तो ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन बनता है, हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर, ये सब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के लिए। नो सुनर डैश हर ब्लंडर देन शी बिगन टू टेक करेक्टिव मेजर। साथियों, ये भी इन्वर्जन का है, तो वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन भी थे, डिड सी रियलाइज या सी हैज़ रियलाइज। तो आपको तो पता है ना, नो सुनर के बाद हो जाएगा डिड सी रियलाइज होगा साथियों। ठीक है, इन्वर्जन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथियों, याद रहे, एग्जाम में इन्वर्जन से एक क्वेश्चन पूछने की गारंटी रहती है। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन हार्डली का बताया कि इन्वर्जन कैसे करना है, तो सब मतलब सेकंड क्वेश्चन भी इन्वर्जन का ही है। ठीक है, तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो यहाँ नॉट ओनली का पेयर भी आपको याद करा दूँ, बट ऑल्सो होता है। ठीक है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आपको इसमें इसको सही करना है, तो मेरे पास ये इसका ट्रिक ही है साथियों। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो आपको क्या करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को एक साथ मतलब ला देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ही चीटेड नॉट ओनली, आपको एग्ज़ाम में साथियों हो सकता है करेक्शन करने को क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो करेक्शन में ही ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा। ही चीटेड नॉट ओनली पेरेंट्स, जो भी है, नॉट ओनली पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज, अच्छा, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स होगा साथियों। ठीक है, मतलब नॉट ओनली को यहाँ पर ले आ जाना है और ही जो होता है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे इसको बनाना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर साथियों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, इट इज़ नथिंग एल्स डैश योर एरोगेंस। ऑप्शन आप सभी के सामने है, देन, दिन, बट या सो। आपको पता होगा एल्स का पेयर साथियों क्या होता है, बट होता है। तो कुछ पेयर भी आप लिखते चलो, ऐसे मैंने कल पूरा पेयर का जो स्क्रीन शॉट है वहाँ डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आपने ज़रूर देख लिया होगा। तो इट इज़ नथिंग एल्स बट योर एरोगेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव पर साथियों चलते हैं। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। साथियों, आपको पता है हार्डली और स्कार्सली का पेयर भी मैंने कल बताया था क्या होता है, हार्डली हो या स्कार्सली हो, इस सब का पेयर साथियों होता है वेन, और नो सुनर का पेयर होता है साथियों देन, याद रहे। ठीक है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन नहीं हो के क्या होगा साथियों, यहाँ पर वेन होगा। देखो, मैं कहता हूँ हार्डली, स्कार्सली और नोट सुनर से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक या तो इन्वर्जन का पूछेगा, नहीं तो यही एरर लगा देगा आपको देन और वेन में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
मैंने जहाँ तक ज़्यादातर देखा है तो यही ईरर आता है देन और वेन का ही, और इन्वर्जन का बहुत कम ईरर देखा है। ठीक है, तो आप भी देख लेना। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कम, कल से परसों पहला ही टॉपिक में ये पढ़ाया था कि कैसे इसको देखो, पेयर सबसे पहले आइदर का और होगा, ये याद रखना ज़रूरी है, आइदर का पेयर और होता है। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो भी होगा वो सेकेंड सब्जेक्ट पर साथियों डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स है तो हैव हो गया, फ्रेंड रहता तो यहाँ हैज होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही सेट में बताया था, तो आप उसे जाके पढ़ सकते हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कम, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो डिपेंड ऑन सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, जब भी पेयर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन है, एज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट टेक टू हिम। साथियों कल मैंने बताया था, कुछ आपको याद हो, बताया यही था कि एज, सिंस और बिकॉज के साथ सो, दैट्स वाई, हेंस और देयरफॉर नहीं आता है। साथियों यहाँ पर एज है तो यहाँ पर सो नहीं आएगा। ठीक है, यही इरर पार्ट है। तो कल मैंने ये पूरा बताया था आप लोगों को, आप जो जिन बंदे ने नहीं देखा है वो देख ली। मैं क्या कर रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन, आपको पूरा कंजक्शन का मैं रिवीजन करा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, एज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट टेक टू हिम, मैंने कल बताया था एज, सिंस, बिकॉज के साथ सो, दैट्स वाई, हेंस, देयरफॉर नहीं आता है। ठीक है, लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैंने इसका पीडीएफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्ज़ाम। आपको पता है टू का मतलब क्या होता है, टू एक निगेटिव सेंस देता है साथियों। ठीक है, और ये इतना इंटेलिजेंट था कि वो एग्ज़ाम ही नहीं पास कर सकता, ये कोई सेंस नहीं साथियों। वो इंटेलिजेंट था तो पास करना तो उसका स्वाभाविक बात है, लेकिन ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट टू पास द एग्ज़ाम, वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसको पास द एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू और टू का पेयर पूछता है, आप लोगों को पता है यूज ऑफ टू एक निगेटिव सेंस देता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने एक कराया है, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्ज़ाम, टू के जगह वेरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही इज़ टू टायर्ड दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम। साथियों यहाँ दैट है, और दैट का सभी को पता है, यहाँ अगर आपको दिखता है तो दैट की जगह यहाँ पटा सो लिख दो। ठीक है, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम, सॉरी क्वेश्चन ही गलत मैंने ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से इरर है, दैट ही कैन नॉट, यहाँ पर लिखता हूँ कैन नॉट गो देयर साथियों, सॉरी इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, गलती मेरी तरफ से है। ही इज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट गो देयर, मतलब वो इतना थका हुआ था कि वो नॉट गो देयर, कहीं जा भी नहीं सकता था, कैन नॉट गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पर दैट है तो यहाँ पर सो होगा साथियों, ये बहुत अच्छा पेयर है, कल भी बताया था सो और दैट का पेयर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप रिविज़न करते रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्टेड। साथियों द सेम का भी पेयर मैंने कल पढ़ा दिया था आपको, क्या होता है, दैट होता है। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन इरर था, अगर जो भी बंदे देख रहे हैं वीडियो को, तो क्वेश्चन मेरी तरफ से ही इरर था, ऊपर वाला लिखा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्टेड, यहाँ विच ना हो के क्या होगा साथियों, दैट होगा, द सेम का पेयर दैट होता है। ठीक है, पेयर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ही इज नॉट सो बेटर एज हिज ब्रदर। साथियों कल मैंने बताया था सो और एज का एक निगेटिव पेयर भी नॉट यूज करना पड़ता है, और बिल्कुल है नॉट, और यहाँ पर जो बीच में आता है साथियों वो पॉजिटिव डिग्री आता है, तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, सभी को पता होगा, कल मैंने अच्छा से इसका कंसेप्ट भी बता दिया था आपको। तो ये वाला बता दिया, नॉट सो बेटर एज, मतलब सो और एज का नॉट आता है। ठीक है, और एज एज का नॉट और पॉजिटिव दोनों बनता है। ठीक है, नॉट और बिना नॉट वाला भी बनता है, लेकिन सो और एज में सिर्फ नॉट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का है 12 नंबर, आई प्रेफर टी एंड कॉफ़ी। साथियों प्रेफर के साथ मैंने बताया था आप लोगों को क्या आता है, प्रेफर और एल्डर के साथ साथियों टू का यूज किया जाता है। प्रेफर और एल्डर के साथ साथियों क्या क्या चीज़ का यूज किया जाता है, टू का, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। राधा इज सो स्ट्रॉन्ग एज आई। साथियों यहाँ पर मैंने कल बताया था कि सो और एज सिर्फ निगेटिव के लिए आता है, तो यहाँ नॉट का चर्चा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सो को काट के हम लोग एज लिखेंगे साथियों, राधा इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई।
क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉट सो स्मार्टर एज आई। साथियों सो और एज का मैंने क्या बताया था, नॉट आना जरूरी है, तो बिल्कुल है नॉट, लेकिन यहाँ पर जो है साथियों पॉजिटिव डिग्री आता है तो स्मार्टर का हो जाएगा स्मार्ट। साथियों अगर आपको ये सारे चीज़ पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, और मैं